हेलो एवरीवन, कुछ समय पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे कि हिरोशी का बड़ा भाई कौन था, जो कि हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद है। आप सबको तो पता ही होगा कि हिरोशी के बड़े भाई के ऊपर अब तक कोई भी एपिसोड नहीं बना था, पर अब इसके ऊपर एक एपिसोड बन चुका है जो कि जैपनीज में है। पर मैं आपको उस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। मित्सुई घर की सफाई करते हुए सिंचन को ढूंढ रही होती है, तभी सिंचन एक ड्रॉयर में छिपा हुआ मिलता है। उसके बाद सिंचन बाहर की सफाई कर रहा होता है और एक वाइट कलर की कार सिंचन के घर के पास आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है और सिंचन को कहता है, सिंचन मैं तुम्हारा रियल डैड हूँ। सिंचन और वह आदमी आपस में गले मिल रहे होते हैं और तभी मिसाई बाहर आकर चिल्ला कर बोलती है, मजाक करना बंद करो से मसीह। मिसाई सिंचन को बताती है कि ये तुम्हारे डैड के बड़े भाई हैं। सिंचन बोलता है, क्या मेरे पास अंकल है। इसके बाद सेमासी सिंचन के घर के अंदर जाने वाला होता है। हिरोशी को मित्सुई का कॉल आ जाता है कि सेमासी आ चुका है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि सभी एक साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। अब सिंचन अपने शरारतों से सबको तंग करता है। इसके बाद सेमासी हिमावारी को बोलती है, मैं तुम्हारा रियल डैड हूँ। हिमावारी अपना मुँह घुमा लेती है। सेमासी सिंचन से कहता है, तुम्हारी तरह तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल भी नहीं है। हिरोशी सेमासी से उसके आने का रीज़न पूछता है। तब सेमासी बोलता है, मुझे ड्रॉयर से एक पेपर मिला और उस पेपर पर लिखा होता है कि मैंने 3000 येन उधार लिया है। हिरोशी सेमासी को बोलता है, तुम 3000 येन के लिए अकिता से यहाँ आए हो। सेमासी बोलता है, मैं तो यूं ही किसी के साथ यहाँ आ गया। सिंचन अपने अंकल से बोलता है, आप अकिता में रहते हो, वहाँ तो मेरे दादाजी भी रहते हैं। उसके बाद सिंचन को पता चलता है कि सेमासी उसके दादाजी का बेटा है। अब सेमासी एक बॉक्स खोलता है, सबको लगता है उसमें कुछ होगा, लेकिन सेमासी उसके अंदर की चीज़ों को पहले ही खा चुका रहता है। इसके बाद हिरोशी अपने पर्स में देखता है तो उसके पास 3000 येन नहीं रहता है, तो वह सेमासी को कहता है कि कल सुबह मैं तुम्हें दे दूँगा। इसके बाद अचानक से सेमासी का पैर सिंचन के नाक के पास आकर गिरता है, जिसे सिंचन को लगता है कि यह सॉक्स बदबूदार होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग हिरोशी ऑफिस की तैयारी कर रहा होता है कि तभी सेमासी के सू को देखकर हिरोशी को कुछ याद आता है। जब उसने सेमासी से 3000 येन लिए थे, तब सेमासी ने हिरोशी से 4000 येन के सूज भी लिए थे। इसके बाद हिरोशी सेमासी से इस बात का जिक्र करता है, तब सेमासी कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे 2000 येन दे देना। इसके बाद सेमासी कहता है, मैं तो सायतामा यूं ही आ गया था। इसके बाद सेमासी और हिरोशी दोनों एक साथ चले जाते हैं। इस एपिसोड का एंड यहीं पर ही हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।